सोनभद्र में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नारी सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सदर ब्लॉक प्रमुख अजीत रावत ने शिरकत की। सदर ब्लॉक प्रमुख अजीत रावत ने कहा कि जिस तरफ से मोदी सरकार महिला उत्थान और नारी सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है, उसे देखते यही लग रहा है कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनेगी। माताओं बहनों से अनुरोध है कि वह तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को आने वाले लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़ कर वोट दें। सोनभद्र से संवाददाता रशीद अलवी की रिपोर्ट। कंधा से कंधा मिला के चलेंगी तभी यह संभव है। आपका योगदान आगे बच्ची जो हमारी बहने हैं, वो जो बहने बैठी चाहे समूह से क्यों भी बहने हो, आपका योगदान अपने क्षेत्र में अतुलनीय है। इसलिए आज आपको यहाँ बुला के सम्मान करने के काम हमारी चेयरमैन साहब कर रही है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो जिस क्षेत्र में सराहनीय काम कर रहा माताएं बहने बेटियां, उनको सम्मान करने का काम हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं और घर घर जाकर भी करते हैं। इसलिए आप लोग से आग्रह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी अंतिम अभिभाषण में कहा कि तीसरी बार फिर से मोदी सरकार, मैं आप सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को एक निष्पक्ष भाव से चार पांच छोड़ के सभी लोग तीसरे प्रोग्राम रखा है, उसका सपना साकार होगा।